देखिए बच्चों यहां पर क्या करना है, यहां पर एक क्वेश्चन है कि ए और बी ब्लॉक, ए का मास 0.5 kg है, पूरा सिस्टम नीचे की तरफ एक्सेलरेट होकर आ रहा है 2 m/s² से, तो हमें बताना है कि जो ए और बी, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी, ए बी पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब देखो सीधी बात है, मुझे बताओ एक्सेलरेटिंग फ्रेम है या नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है या नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो आप देख सकते हो ए नॉन जीरो है, मतलब एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, और ऐसी फ्रेम को हम क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में कौन सा फोर्स लगाया जाता है, सूडो फोर्स। कौन सी डायरेक्शन में लगाया जाता है, इन द डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन की डायरेक्शन में लगाया जाता है। अब हमें फोर्स निकालना है, तो हम सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए। ए का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा, मास ऑफ ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नॉर्मल ना, मास एमजी डाउनवर्ड, कॉन्टेक्ट फोर्स नॉर्मल अपवर्ड। तो अब हम ये कह सकते हैं सिस्टम एक्सेलरेट कहां की तरफ हो रहा है, सिस्टम एक्सेलरेट कहां की तरफ हो रहा है, सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो रिटार्डेशन अपवर्ड, रिटार्डेशन अपवर्ड तो सूडो फोर्स अपवर्ड। मतलब क्या, मतलब ये अब हम ये कह सकते हैं नॉर्मल प्लस एफ एस इक्वल टू एम ए जी, तो नॉर्मल प्लस मास ऑफ एक्सेल, मास ऑफ ए एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड जो भी होगा एम ए जी, सो नॉर्मल विल बिकम एम ए जी माइनस एम ए। अभी आप ये लिख सकते हैं नॉर्मल एम ए जी माइनस ए। अब इसकी दो पॉसिबिलिटी है, अगर जी 10 लिया जाए तो भी आंसर निकाला जा सकता है, 9.8 तो भी आंसर निकाला जा सकता है, मैं 10 लेता हूं मान लीजिए। सो नॉर्मल मास कितना है ए का, 0.5, जी लेता हूं 10 - 2, तो आंसर होता है आपके पास में 0.5 × 8, 4 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट होता है ना। या अगर मैं 9.8 लेता हूं तो क्या आ जाएगा आंसर, देखिए 0.5 - 9.8 - आपके पास में 2 आ जाएगा, सो 9.8 - 2 आप क्या कर सकते हैं, 7.8 × 0.5, तो ये आ जाता है आपके पास में 3.9 न्यूटन। तो दो पॉसिबल आंसर है, जिस दोनों भी चाहे तो आप निकाल सकते। पुरोहित एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात सक एमजे कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटल बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डन च्या समोर जळगाव